लॉकडाउन के शुरुआत से ही जगदल टाउन तृणमूल कांग्रेस के युवा सभापति अमित शाह को देखा गया प्रतिदिन बिना थके घर घर भोजन पहुंचा रहे हैं। इसी लॉकडाउन के बीच रोजा पड़ जाने के कारण इसी जनता किचन के द्वारा कई लोगों को इफ्तारी भी करवा रहे हैं अमित शाह। इसी जनता किचन का मुआयना करने पहुंचे भाटपाड़ा तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर सोमनाथ श्याम, समाजसेवी गोपाल राउत, मनु साव साहेब व खुर्शीद जियाम, सभी ने रखी अपनी अपनी राय। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज 36वां दिन। आज का ये जो कार्यक्रम चल रहा है अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये कार्यक्रम का आज 35वां दिन है और इस बीच अमित जी के किचन के इस कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किचन का कार्यक्रम यहाँ पर चला है और मैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं गोपाल राउत जी, जो अमित जी का कार्यक्रम चल रहा है आज, इसका 35वां दिन है। किस तरह से अमित का बहुत बहुत धन्यवाद है। अमित और उसका टीम जो काम कर रहा है, बहुत सराहनीय काम कर रहा है। हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम लोग का पार्टी में आज जो हम लोग का पार्टी यहाँ पर काम कर रही है, हम लोग को छोड़कर तो हम देख रहे हैं जो दूसरा कोई यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। साहेब जी जो बताएंगे इस कार्य को सराहना। अमित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि अमित साहब ने इस काम को कंटिन्यूसली रखा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की काम है। आज भाटपाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से लोगों के पास अनाज पहुंच रहा है, ये भाटपाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच ऐसे पार्टी करने वाले कर्मी हैं। तब तक खाने का सामान पहुंच जा रहा है, यहाँ भी लोग खाते हैं और पैकेज भी रहता है, पैकेट करके उन तक जो गरीब लोग रहते हैं वो लोग ले आकर अपना रोजा खोलते हैं, अफ्तारी करते हैं। इसमें आज रमज़ान का महीना भी चल रहा है। रमज़ान के महीना में खासकर मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अमित साहब को और तरक्की हो, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये खाना खिलाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। जिसके अंदर लगन है वही कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल है अमित, आज उसके अंदर लगन है इसलिए वो कर पा रहा है और हम लोग सभी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं। इस बीच मौजूद है हमारे साथ सोमनाथ श्याम जी। आज 36वां दिन जो अमित एंड टीम का ये किचन चल रहा है, मैं इससे पहले भी कई बार आया हूँ, आज स्पेशली मैं काफ़ी देर से यहाँ हूँ और लगातार कंटिन्यूसली वो जो है चला रहा है, लोगों का सेवा में उपस्थित रखा है अपने आप को। हमारा इलाका का वो युवा प्रेसिडेंट है और जिस तरीके से हर लोगों का सुख दुख में वो अपना हाथ बटाता है, इससे मैं उसको और सबसे ज़्यादा उससे भी उसका टीम जो है, जो सक्रिय रूप से सुबह से लेकर रात तक खाना बनाना, लोगों के पास खाना पहुंचाना, उसको बांटना, ये जो कार्यक्रम वो लोग रख रहे हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ। इस तरीके का काम वो लोग लोग के सेवा में कर रहे हैं। आज हम लोग राजनीति नहीं देख रहे हैं, हम लोगों के पास ये विपद के समय में हम सब एकत्रित होकर अपना अपना सहयोगिता से हर किचन को चलाने का कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से अमित जी का भी चल रहा है और लोगों के पास उनका इस दुख के और मुसीबत के समय हम लोग जाके खड़े हो रहे हैं। फिर से मैं इन लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट खुर्शीद जी। अमित शाह आज तकरीबन 36 दिन से रोज़ाना ज़रूरतमंद लोगों तक लॉकडाउन को नज़र में रखते हुए खाने वाने का जो अरेंजमेंट किया है, अमित शाह और उनकी टीम, ज़रूरतमंद को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ जो लोग हैं ये लोग बाइक से गाड़ी से वहाँ पहुँचते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अमित शाह अपने उम्र से ज़्यादा ये काम किए और मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को चाहें तो सारी कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है, जैसा बोलते हैं। तो शायद वो शुरू किए थे हमारे ख्याल से 25-30 आदमी से, आज तकरीबन 200 लोग 150 लोग रोज़ यहाँ पर उसका लाभ उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है, हम पार्टी की तरफ से उनका अभिनंदन जनाते हैं, उनको शुक्रिया उनका अदा करेंगे और बिला झिझक किसी जात पात के, किसी पार्टी वार्टी के भेदभाव के वो हर आदमी की मदद कर रहे हैं।
और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिला है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे गरीब का उन्होंने ख्याल रखा है, उनकी पेट का आग बुझाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बीच मौजूद है हमारे साथ मनु जी। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है अमित जी का नेतृत्व में बहुत बढ़िया से यहाँ पर किचन चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी काम आज किए हैं कि इन्होंने ना पूरा एकदम आज माने हिंदू मुसलमान को लेकर जो यहाँ पर व्यवस्था किए हैं, हम आफ्तारी पार्टी का जो इंतज़ाम किए हैं बहुत बढ़िया इंतज़ाम है इनका, तो हम शुरू से तारीफ करते आ गए हैं। चूँकि हमारा ये सीनियर भी है, सीनियर होने के नाते इनको हम बहुत सारा धन्यवाद भी देते हैं। जो ऐसे ऐसे कार्यक्रम जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से इन लोगों ने सभी को लेकर, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जात पात बांटा हुआ है, कोई पार्टी बांटा हुआ है। हम लोग माने दल भले करते हैं, हम लोग TMC करते हैं, ममता बनर्जी के और अभिषेक बनर्जी के ऊपर चल रहे हैं हम लोग। पूरा यहाँ का संगठन भी हमारे सोमनाथ शाम जी हैं, पाल राव जी हैं, साहब जी हैं, सबको लेकर हम लोग एक साथ चल रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग ऐसा नहीं है कि खाली अफ्तारी पार्टी में ही भाग लेते हैं। हम लोग का जब हिंदू धर्म का छठ पूजा होता है तो छठ पूजा में हम लोग भाग लेते हैं, वहाँ भी हम लोग फल फूल वितरण करते हैं, साड़ी देते हैं, लोगों को घर घर पहुँचाते हैं। उसके बाद 25 दिसंबर आता है तो हम लोग केक भी काट के सभी लोगों को खिलाते हैं। मैंने हर धर्म के लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा सिद्धांत, हमारे पार्टी का सिद्धांत है कि कोई जाति वाति नहीं चलेगा, सबको एक साथ एक इंसानियत के हिसाब से चले और आगे बढ़ें। और अमित को मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतने बढ़िया यहां पर इंतजाम किया है। इससे यही समझ में आता है कि अमित जी करीब 30 लोगों को लेकर इस कार्यक्रम को, किचन का कार्यक्रम जो चल रहा था इसको आगे बढ़ाए थे, और अभी लगभग 200 लोगों के बीच हर रोज़ इस लॉकडाउन के तहत, शुरुआती दौर से मैंने कहा आज 36वां दिन है उनका, और इस 36 दिन में लगातार 200 लोगों के बीच करीब करीब भोजन का मुहैया कराया जाता है ज़रूरतमंद लोगों के बीच, लगातार उनका सेवा जारी रहता है। कैमरा पर्सन MD हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव, देखते रहे और बने रहे हमारे साथ। कोरोना से बचने के लिए उपाय करें 3। मास्क पहने, भीड़ से बचें।